अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके, सो हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, सो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सेकंड चैप्टर हमारा, सो सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा है? सेकंड चैप्टर है हमारा केमिकल कॉम्बिनेशंस. ठीक है क्लास, कौन सा चैप्टर है हमारा? केमिकल कॉम्बिनेशंस का चैप्टर है हमारा सेकेंड चैप्टर. सो आपको फर्स्ट चैप्टर में कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन आपको पूछना है? हम आज अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सेकंड चैप्टर हमारे पास कौन सा है? केमिकल कॉम्बिनेशंस. ठीक है क्लास, ये हमारे पास क्लास अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री जो है वो किन चीजों को डील करती है, तो आप क्या कहेंगे? केमिस्ट्री जो है वो जो भी हमारे पास मैटर है, ठीक है, उसके अंदर जो भी चेंजेस होती है उसे केमिस्ट्री डील करती है. ये जो हमारे पास केमिकल चेंजेस होते हैं ना, इसे रूल करते हैं कुछ लॉस, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ठीक है क्लास, क्या कहते हैं हम इन्हें? लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. फोर टाइप के होते हैं ये लॉस. ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? फोर टाइप्स के. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है क्लास, फर्स्ट हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकंड हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. थर्ड हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. एंड लास्ट वन, यानी कि जो हमारे पास नंबर फोर पर है लॉ, वो कौन सा है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ठीक है क्लास, तो हमारे पास चार लॉ हैं. ठीक है, कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. सो फर्स्ट लॉ हम पढ़ते हैं. फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था वो हमारे हब किसने रिप्रेजेंट किया था, इसका आइडिया किसने दिया था? वो थे
एंटियन लिवोइजियर, ठीक है, लिवोइजियर थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था। ठीक है क्लास, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में उन्होंने कहा क्या था, इन्होंने कहा था कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई भी मास नहीं बनता और ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। ठीक है क्लास, तो इनकी स्टेटमेंट क्या थी, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, इनका स्टेटमेंट ये था कि मास इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो या वैसे भी बात करें तो इन्होंने ये कहा था कि मास इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि इसके साथ लॉ का नाम दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रूफ है, ठीक है, ये रिजेक्ट नहीं हुआ, ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, इसीलिए इसको लॉ का नाम दिया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट। सो क्लास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझ में आ गए? तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, इसके रिजल्ट में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ठीक है, यानी कि उसे प्रूव करने के लिए। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट था जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने किया था, ठीक है, जिनका नाम क्या था, लैंडॉल्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एच शेप की एक ट्यूब ले ली, ठीक है, आप अगर बुक है आपके पास, आपने बुक खोली तो आप उसमें देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया था, एक एच शेप की ट्यूब ले ली, ठीक है, जिसके क्या थे, दो साइड थे, तो उन्होंने एक को ए मार्क कर दिया और दूसरे को बी मार्क कर दिया। ठीक है क्लास, एक में यानी कि जो एप वाला था पोर्शन, उसमें उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, और जो दूसरी लिम्ब थी यानी कि लिम्ब 2 जो थे उस ट्यूब की, उसमें उन्होंने क्या डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। अब जो ये ट्यूब थे, ये ट्यूब क्या थे, ये ट्यूब सील थे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, कोई मटेरियल जो है वो बाहर नहीं आ सकता। तो जब वो ये प्रोसेस कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ट्यूब को, ट्यूब का वेट किया, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में उन्होंने इसीलिए इसका वेट किया ताकि जो केमिकल्स हैं वो मिक्स ना हो जाए एक दूसरे के साथ, ठीक है। जब उन्होंने वेट किया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो रिएक्टेंट था, ठीक है, उन्हें मिक्स कर दिया ट्यूब को शेक करके। तो जब इन्होंने ट्यूब को मिक्स किया शेक करके, तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद दोबारा ट्यूब का वेट किया, ठीक है, यानी कि उसको दोबारा से उसका वजन चेक करा। अच्छा, जब उन्होंने ये वजन चेक किया तो उस वक्त क्या था, वो ट्यूब्स में क्योंकि दो केमिकल्स थे वो आपस में मिक्स हो गए थे, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए, ठीक है। वो व्हाइट प्रेसिपिटेट किस चीज के थे, वो थे AgCl3 के, ठीक है, किस चीज के थे, AgCl3 के, यानी के जो सिल्वर था और क्लोरीन थे वो आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है, तो वो क्या बन गए, सिल्वर क्लोराइड। फिर उन्होंने क्या किया, इसका वेट करा, ठीक है, जब उन्होंने उसका वापस से वजन चेक किया तो उस वो वजन क्या था, वो बिल्कुल सेम था, ठीक है, उस वजन में कोई भी चेंजेस नहीं आई थी।
ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रूफ किया, जो टोटल रिएक्शन से पहले जो मास था सब्सटेंस का, रिएक्शन के बाद भी वो मास क्या था, सेम था, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर। तो इस तरह से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ कर दिया, ठीक है क्लास। इन्होंने क्या कहा कि ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये यानी के जो लिवोइजियर ने बात कही थी, उन्होंने जो लॉ दिया है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इन्होंने, हम इसको रिवीजन कर लेते, लैंडॉल्ट ने क्या किया था, इन्होंने एक एच शेप की ट्यूब ली थी जिसके दो लिम्स थे ए और बी, ठीक है। इस एक में उन्होंने AgNO3 डाल दिया यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरे में HCl डाल दिया, और दोनों को वेट, उसका वेट चेक करा मिक्स करने से पहले। और जब उन्होंने वेट चेक कर लिया तो क्या किया, दोनों ट्यूब, उस ट्यूब को शेक करा, जिसकी वजह से दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो गए, और जब वो मिक्स हुए तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए सिल्वर क्लोराइड के, ठीक है क्लास। फिर उसके बाद उन्होंने वापस से उसका वेट चेक करा, तो क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म हो गया, ठीक है, यानी कि एक एक उसकी जो वो थी मैटर, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, लेकिन उसका मास उतना ही था, यानी कि मास इस नेदर भी क्रिएटेड, यानी कि वजन उसका नहीं बढ़ा, इसका क्या मतलब है, कोई मास क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, और उसका वजन कम भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर भी डिस्ट्रॉय, लेकिन वो क्या था, सिल्वर नाइट्रेट और AgNO HCl जो थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, सिल्वर क्लोराइड में, जिसका मतलब क्या हुआ कि मास जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो चेंज नहीं, उसमें कोई मास फॉर्म नहीं हुआ और कोई मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है क्लास। सो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है क्लास? बेटा आवाज ठीक नहीं आ रही, आपके पास इंटरनेट इशू आ रहा होगा, आपका इंटरनेट स्लो चल रहा होगा, इसी वजह से आपके पास आवाज सही नहीं आ रही होगी। सो आपको ये समझ में आ गया कि आपको पास अभी आवाज आ रही है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी। ओके, मैं एक्सपेरिमेंट आपको समझा देता हूँ। एक्सपेरिमेंट में क्या था, लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट कहलाता है ये। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये करने वाली जो केमिस्ट थे वो थे जर्मन, ठीक है। इन्होंने ये टेस्ट परफॉर्म किया था लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एच शेप की एक ट्यूब ली, ठीक है। ये जो ट्यूब थी इसके दो लिम्स थे, ठीक है, आपने देखा है ना एच एच के दो लिम्स होते हैं लेफ्ट और राइट साइड पर, तो इसी तरह इस ट्यूब के दो लिम्स थे। इन्होंने एक को ए मार्क कर दिया और दूसरे को बी मार्क कर दिया, ठीक है। अब जो ए वाला था उसमें इन्होंने क्या डाला, AgNO3 यानी के सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और जो लिम्ब बी था उसमें इन्होंने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी के HCl। अब जो ये एच शेप की ट्यूब थी ये सील थी, ठीक है, जिसके मतलब क्या है कि इसमें से ये सॉल्यूशन बाहर नहीं निकल सकता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये दोनों सॉल्यूशन डाले तो इन्होंने ट्यूब का वजन किया, ठीक है। जब इन्होंने वजन कर लिया तो इन्होंने क्या किया, इस ट्यूब को शेक किया, शेक करने स्टार्ट करे, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों केमिकल्स आपस में मिक्स हो गए, ठीक है। जब ये दोनों केमिकल आपस में मिक्स हुए तो क्या हुआ, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए, बबल्स उसमें व्हाइट से बन गए। तो इसका मतलब क्या था कि एक न्यू चीज फॉर्म हो गई, ठीक है। वो क्या, जो एक न्यू चीज फॉर्म हुई वो क्या है, वो है सिल्वर क्लोराइड यानी के AgCl और HNO3 यानी के बाइकार्बोनेट, ठीक है क्लास। ये समझ में आ गई आपको। अब इन्होंने जब ये न्यू चीज फॉर्म हो गई तो इन्होंने क्या किया, वापस से उसका वजन करा,
ठीक है, जब उन्होंने वापस से उसका वेट करा तो क्या हुआ, वेट उतना ही था जितना मिक्स करने से पहले था, तो क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या था ये इन्होंने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया, जब उन्होंने वेट किया तो उसमें वेट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई, कोई वेट इंक्रीज नहीं हुआ था, जिसका मतलब क्या है, मास इज नेदर बी क्रिएटेड, ठीक है, और उसके वजन में कोई कमी भी नहीं हुई थी, तो इन्होंने क्या कहा, नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक न्यू चीज फॉर्म हो गई थी, वो क्या थी, बाइकार्बोनेट और सिल्वर क्लोराइड, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से लैंडोल्ट ने इस लॉ को, जो कि किसने दिया था, लेवोइजियर ने लॉ दिया था, उसे प्रूव कर दिया, ठीक है। क्लास यहां तक समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, एनी क्वेश्चन? ओके, सो आपको अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लो हम स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है क्लास। सो हम क्लास को यही एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।